हो गई प्राची रणबीर के बीच तकरार और काया रणबीर के ससुर को यानी कि सिंघा ने उसको देगी धमकी और कह देगी रणबीर सिर्फ मेरा है वो किसी का नहीं होगा और प्राची के सामने से चला गया रणबीर प्राची से दूर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची से रणबीर 6 साल तक दूर रहने की वजह पूछेगा और कहेगा कि प्राची इन 6 सालों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई, तुम कैसे रह ली अपने रणबीर से दूर, यह सुनकर प्राची कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जब रणबीर कहेगा कि मुझे वजह बताओ कि तुम मुझसे दूर क्यों रहे, ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा, और रोते हुए कहेगा कि जबकि तुम्हें साफ साफ पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तब यह सुनकर आंखों में आंसू भरे गुस्से से प्राची रणबीर पर उंगली उठाकर कहेगी कि यही तो वजह है जो मैं तुमसे दूर रहे। याद करो कि तुमने मुझे 6 साल पहले क्या कहा था कि तुम मेरा जब जब चेहरा देखते हो तब तक तुम्हें अपनी मरी हुई बेटी का चेहरा दिखाई देता है, और तुमने ही कहा था कि प्राची यहाँ से चली जाओ, अब मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए कभी भी देखना नहीं चाहता। यह प्राची के मुंह से सुनकर रणबीर को काफी बड़ा शॉक लगेगा और रणबीर कुछ बोल नहीं पाएगा और चुपचाप कोने में जाकर अपनी गलतियों का एहसास करते हुए रोने लगेगा। और प्राची कहेगी कि तुम बस इतना ही रो रहे हो, मैं तुमसे दूर रहकर हर दिन हर पल रोई हूँ और सबसे ज्यादा तो मैं अपनी बेटी के लिए रोई हूँ जो सिर्फ तुम्हारी वजह से रणबीर 6 साल पहले चली गई और उसके जाने का सारा दोष तुमने मुझ पर लगाया। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं कि अगर तुम 6 साल पहले पुलिस को लेकर वहाँ ब्रिज पर नहीं आए होते तो आज मेरी बेटी यहाँ पर जिंदा होती, वो इतनी बड़ी हो चुकी होती। जिसे सुनकर रणबीर को और बड़ा सदमा लगेगा और रणबीर रोते हुए प्राची को कहेगा नहीं नहीं प्राची ऐसा मत बोलो, हमारी बेटी जिंदा है, मुझे इसका एहसास बहुत बार हुआ है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गई। यह सुनकर प्राची को भी रोना आ जाएगा और रोते हुए प्राची कहेगी हाँ रणबीर हमारी बेटी जिंदा है। लेकिन जब काया के सामने सिंघानिया सियानी के रणबीर के ससुर होटल से बाहर निकलने वाले होंगे और एक कमरे में काया के साथ होंगे और काया काफी गुस्से से रणबीर को मांगने के लिए रणबीर के ससुर के पास जाएगी और सिंघानियास को कहेगी कि मेरे रणबीर से आप अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ना, तो वो अपनी बेटी की भलाई के लिए मत जोड़िएगा। यह सुनकर सिंघानियास कहेंगे क्यों, तभी काया कहेगी काया से सवाल मत करो वरना सिंघानिया तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, रणबीर सिर्फ मेरा है और वो किसी और का नहीं हो सकता, काया जिसे अपना बना लेती है वो सिर्फ काया का ही रह जाता है, इसीलिए अगर आप अपनी और अपनी बेटी की खासकर भलाई चाहते हैं तो रणबीर से दूर हो जाइए, उसको पाना चाहोगे तो आपकी बेटी ही जल जाएगी। यह सब काया के मुंह से सुनकर सिंघानिया के पसीने छूट जाएंगे और अपने परिवार के साथ सिंघानिया चले जाएंगे। लेकिन जब काया की नजर रणबीर प्राची पर पड़ेगी और दोनों रणबीर प्राची एक दूसरे को गले लगाकर खड़े होंगे तभी काया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और काया जोर से चिल्लाएगी नहीं, जिसे सुनकर रणबीर प्राची दोनों के ही होश उड़ जाएंगे और रणबीर काया को देखकर कहेगा कि मैं जिस मोहब्बत की बात तुमसे कर रहा था वो मेरी मोहब्बत मेरी महबूबा वापस लौट आई है, यही तो है मेरी प्राची। यह सुनकर काया को काफी बड़ा झटका लगेगा जिस वजह से रणबीर के लिए काया आगे प्राची को जान से मारने की कोशिश करेगी। और लेकिन विलन में आपको कौन सी विलन पसंद है, काया क्या रिया और प्राची रणबीर को एक हो जाना चाहिए क्या नहीं, और प्राची रणबीर की जोड़ी आपको कितनी ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।